दोस्तों, अगर आप मार्केट में एक कार लेने निकले हो और आपके पास दो कार ऑप्शन है, जिनमें एक कार में 3 सिलेंडर इंजन है और दूसरे कार में 4 सिलेंडर का इंजन है और इन दो गाड़ियों का प्राइस भी सेम है, तो आप कौन सी कार लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप एक 4 सिलेंडर वाली कार लेना पसंद करोगे, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन 3 सिलेंडर इंजन से काफी ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड होता है। और 4 सिलेंडर इंजन को दुनिया का सबसे वर्सेटाइल इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर टाइप की गाड़ी में और मशीन में होता है। और आज से कई साल पहले हम किसी कार के इंजन को देखे तो उन कार में ज्यादातर 4 सिलेंडर इंजन ही देखने मिलता था, चाहे बात करें किसी हैचबैक की या फिर किसी बड़ी एसयूवी की। ऑलमोस्ट हर किसी गाड़ी में हमें 4 सिलेंडर इंजन देखने मिलता था, और ये इसलिए क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन काफी स्मूथ और रिफाइंड होते हैं और अच्छी पावर के साथ अच्छी माइलेज भी निकल कर देते हैं। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। ये सब चीजें एक कार के लिए काफी बढ़िया होती है, लेकिन बदलते टाइम के साथ गाड़ियों में भी बदलाव होते गए। और जो गाड़ियां 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी, जैसे कि फोर्ड फिगो, फोक्सवैगन पोलो, स्कोडा रैपिड, महिंद्रा बोलेरो, वो भी गाड़ियां 3 सिलेंडर इंजन के साथ आने लगी थी। और अगर टाटा की हैरियर और सफारी को छोड़े तो टाटा की सारी गाड़ियां 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। ये 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप और बाकी के एशियन मार्केट में भी 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्यों कार ब्रांड्स 4 सिलेंडर इंजन की जगह हमें 3 सिलेंडर इंजन अपनी गाड़ियों के साथ दे रहे हैं। क्या कार कंपनीज हमें पागल बना रही है क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन इतना स्मूथ और रिफाइंड होता है, जबकि 3 सिलेंडर इंजन नॉइजी और वाइब्रेशन क्रिएट करता है। शुरू से शुरू करेंगे तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं वीडियो को। हमें 3 सिलेंडर इंजन को समझने से पहले 4 सिलेंडर इंजन के बारे में जानना होगा। दुनिया का सबसे पहला 4 सिलेंडर इंजन 1862 में ही आ गया था, लेकिन उस वक्त पर कार सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित थी और ये कार्स कुछ ज्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करते थे। इस वजह से इन गाड़ियों में 6 से 8 सिलेंडर इंजन का यूज किया जाता था, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इंजन छोटे होते चले गए और 4 सिलेंडर इंजन का चलन बढ़ता चला गया और कार्स आम लोगों तक पहुंच रही थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक कार के सिलेंडर 4 से नीचे नहीं जा रहे थे। और फिर जर्मन कार मेकर DKW ने 1955 में पहली कार बनाई जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी। बेशक 3 सिलेंडर का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था, लेकिन इस 3 सिलेंडर का इस्तेमाल जापानी कार्स में ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि इन गाड़ियों के इंजन काफी छोटे हुआ करते थे और जापान के अलावा बाकी के देशों की गाड़ियों में बहुत लंबे समय तक 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और इसकी दो सबसे तगड़ी वजह थी, इसकी बेकार रिफाइनमेंट और अंडर पावर होना। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम 3 सिलेंडर इंजन के साथ ही क्यों है। उसके लिए हमें 4 स्ट्रोक इंजन के मैकेनिज्म को समझना होगा। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, जिसमें हर स्ट्रोक अपना अपना रोल प्ले करता है, जिससे कंबर्शन इंजन चलता है, जिसमें पहला जो स्ट्रोक होता है उसमें पिस्टन नीचे जाता है, फिर एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। सेकेंड स्ट्रोक में इस एयर और फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। थर्ड स्ट्रोक में इस कंप्रेस किए हुए मिक्सचर को स्पार्क प्लग के हेल्प से आग लगाई जाती है, जिस वजह से पिस्टन धमाके की वजह से नीचे चला जाता है और क्रैंक को घुमाता है, और इसी स्ट्रोक की वजह से गाड़ी को पावर मिलती है, इसलिए इस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। और चौथे स्ट्रोक में जो जली हुई गैसेज होती है उसे बाहर निकाला जाता है। आगे बढ़े तो अब हम समझते कि 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर इंजन के डिफरेंस को। ये जो 4 सिलेंडर इंजन होता है, इसमें 4 सिलेंडर होने की वजह से इसका जो फायरिंग ऑर्डर होता है इनमें 180 डिग्री का फर्क होता है। मतलब जब क्रैंक 180 डिग्री घूम जाता है तब सिलेंडर में फायरिंग होती है। इससे लगातार एक के बाद एक सिलेंडर पावर स्ट्रोक में होते हैं, जिस वजह से कंटिन्यूस पावर मिलती है। इसलिए 4 सिलेंडर इंजन में ज्यादा वाइब्रेशन भी नहीं होती और पावर भी अच्छी मिलती है। लेकिन जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं, इनके पावर स्ट्रोक का गैप जो होता है वो होता है 240 डिग्री का, जिससे बीच बीच में हर इंटरवल के बाद कोई भी सिलेंडर पावर स्ट्रोक में नहीं होता। और इस वजह से दो चीजें होती है, एक तो पावर की कमी और दूसरा ज्यादा वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन वाली बात है, इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है इनबैलेंस नेचर ऑफ 3 सिलेंडर इंजन। जैसे जैसे सिलेंडर के नंबर कम होते जाते हैं, वाइब्रेशन उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। और 3 सिलेंडर इंजन में तो नंबर ऑफ सिलेंडर भी कम होते हैं और सिलेंडर भी ऑड नंबर में होते हैं, जिससे काउंटर वेट भी नहीं मिल पाता। इसलिए कई ब्रांड्स इंजन में कुछ काउंटर वेट भी लगाते हैं, लेकिन उससे 4 सिलेंडर वाली स्मूथनेस नहीं मिल पाती। अब हम ये तो समझ गए कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है 3 सिलेंडर इंजन के साथ, लेकिन क्यों आज भी 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है।
जाता है तो उसकी सबसे पहली वजह फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आज पेट्रोल की बढ़ती प्राइस को देखें तो थ्री सिलेंडर इंजन काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है, लेकिन सिर्फ ये एक वजह नहीं है, दूसरी वजह है टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2022 के काउंसिल मीटिंग में बताया था कि जो व्हीकल इन चारों कंडीशन को फुलफिल करेगी उनके ऊपर 22% का सेस लगाया जाएगा। पहला तो ये कि ये नाम से एसयूवी होनी चाहिए, दूसरा ये कि उनकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा होनी चाहिए, तीसरा उसकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा हो और चौथा उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज्यादा हो। इंडिया की तरह चाइना और हांगकांग में भी इंजन साइज के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इन देशों के अलावा फ्रांस में भी 1800 केजी के ऊपर की गाड़ियों पर टैक्स को बढ़ा दिया था। ये टैक्स मोस्टली एसयूवी के लिए लगाया गया था और इसको एसयूवी टैक्स भी बोला जाता है। और इसके हिसाब से किसी गाड़ी का वेट 1800 केजी से ज्यादा हो तो उस पर एडिशनल वेट के लिए 10 यूरो पर केजी के हिसाब से चार्ज लगाए जाते हैं। इसके अलावा 27 में से 10 यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री है जो पैसेंजर कार्स पर CO2 एमिशन चार्ज करती है, और ये जो रूल्स है वो फोर्स करती है कार ब्रांड्स को कि वो एक फ्यूल एफिशिएंट लो कार्बन एमिशन वाली और हल्के इंजन वाली कार बनाकर दे जो नेचर के लिए काफी अच्छी हो। और यही पर काम आता है थ्री सिलेंडर इंजन। थ्री सिलेंडर इंजन का सबसे बड़ा फायदा होता है इसका लाइट वेट होना और कॉम्पैक्ट साइज होना। सिर्फ एक सिलेंडर कम होने की वजह से थ्री सिलेंडर इंजन का वेट 4 सिलेंडर इंजन से 33% कम होता है। कम सिलेंडर होने की वजह से रॉ मटेरियल भी कम लगता है और अदर रिसोर्सेज भी कम यूज होते हैं, जिस वजह से कार का प्राइस अल्टीमेटली कम हो जाता है। एक सिलेंडर कम होने की वजह से इंजन का साइज भी कम होता है, जिससे इसे हैचबैक जैसी छोटी गाड़ियों के अंदर लगाना काफी आसान हो जाता है और इससे इंटीरियर में ज्यादा स्पेस भी मिलता है। थ्री सिलेंडर इंजन का दूसरा बेनिफिट है एफिशिएंसी, क्योंकि थ्री सिलेंडर इंजन में एक सिलेंडर कम होता है जिससे एक पावर स्ट्रोक भी कम होता है और इस वजह से फ्यूल भी बच जाता है। और एक सिलेंडर कम होने की वजह से फ्रिक्शन भी कम होता है। जैसे कि हम इसको थ्री सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन की गाड़ियों से कंपेयर करें तो टाटा की अल्ट्रोज आती है 3 लीटर 1200 सीसी इंजन के साथ, वही होंडा की जैज आती है 4 सिलेंडर 1200 सीसी इंजन के साथ। और इनको कंपेयर करें तो टाटा की अल्ट्रोज जो है वो 10% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है होंडा जैज से। अब भले ही 3 सिलेंडर इंजन ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने एक बात देखी थी कि ये 3 सिलेंडर इंजन वाली गाड़ियां काफी अंडर पावर होती है कंपेयर करें 4 सिलेंडर इंजन से। तो इस पावर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार ब्रांड्स इसके 3 सिलेंडर इंजन को टर्बो चार्ज लगाना शुरू किया और आज यही चीज BMW, मिनी कूपर, वोल्वो, माजदा जैसी वर्ल्ड फेमस ब्रांड जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है आज वो भी 3 सिलेंडर इंजन को यूज करती है और साथ ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां भी बनाने में सफल हो रही है। इसका मतलब 3 सिलेंडर इंजन के साथ पावर तो एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन इन्हें टर्बो चार्ज के बैंड के साथ होना जरूरी है। मतलब जब तक टर्बो स्मूल अप नहीं हो जाता तब तक उन गाड़ियों में ज्यादा पावर नहीं मिलती, और टर्बो को स्मूल अप करने के लिए इनको एक सर्टेन RPM पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। और इस वजह से इन टर्बो चार्ज गाड़ियों को चढ़ाई पर स्टैंड स्टील पोजीशन पर से उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में इंजन के अंदर पावर थोड़ी कम महसूस होती है। अब जो हम जनरली देखते हैं कि जो गाड़ियां चलाना पसंद करते हैं वो भी लोग इन गाड़ियों से खुश नहीं है, और कार ब्रांड्स भी इन चीजों से कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई देते। जैसे कि टाटा मोटर्स पहले अपनी हर गाड़ियों में 4 सिलेंडर इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज के दिन देखे तो टाटा के पास कौन सा भी पेट्रोल इंजन ऐसा नहीं है जो 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता हो, और ये टाटा की मजबूरी है क्योंकि वो बहुत बढ़िया बिल्ड वाली गाड़ियां बनाते हैं, जिस वजह से उन गाड़ियों का वेट अल्टीमेटली बढ़ जाता है। और इन गाड़ियों में 4 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल करें तो इनकी फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल बेकार हो जाए, और मजबूरी इसलिए कि इनका 3 सिलेंडर इंजन लोगों को पसंद नहीं आता, जिससे इनकी कार सेल्स पर इंपैक्ट होता है, खास करके नेचुरल एस्पिरेटेड वाले, क्योंकि ये काफी ज्यादा अनरिफाइंड और अंडर पावर फील होते हैं। और यही चीज IC इंजन के अंतिम दौर की शुरुआत है, क्योंकि कार ब्रांड टेक्नोलॉजी पे बहुत ऊपर आ चुके हैं और इसके ऊपर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इस वजह से उन्हें और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकालने के लिए उनको नंबर ऑफ सिलेंडर कम करने पड़ते हैं या फिर उनको अपनी गाड़ियां बहुत ही ज्यादा हल्की बनानी पड़ती है। और इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल है सुजुकी। सुजुकी की गाड़ियों में ज्यादातर 4 सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी गाड़ियां बहुत ही ज्यादा हल्की होती है, इसलिए वो काफी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाते हैं। तो यही था भाई आज की वीडियो में। आपको क्या लगता है, कार ब्रांड्स को अपनी गाड़ियों में 4 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर टाटा वालों को? मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।